अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आशियाना फूड। तो आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे चिकन 65 कीमे की रेसिपी। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया था 1 किलो कीमा, ये चिकन का कीमा था। और मैंने लिया है हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट, नमक। और मैंने लिया था 1/4 किलो कांदा, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है 4 बड़े टमाटर का पेस्ट। और ये मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए लिया था चिकन 65 मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, ये है फूड कलर, और कश्मीरी रेड पाउडर, चिल्ली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, नमक। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अभी जो मैंने मसाला लिया था इसे हम कीमे में मिक्स कर देंगे, इसे मैरिनेट होने रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच ऐड किया था मैंने। फिर से इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ढककर। एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच तेल ले लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छे तरीके से इसे चला देंगे। देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हमें इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इसे हमें काला नहीं करना, इसी तरीके का ब्राउन करना है। अभी जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दिया था इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसी पैन में मैंने ले लिया है तेल 2 चम्मच, इसे हम फ्राई कर लेंगे कीमे को। अच्छे तरीके से इसे चला देंगे। देखिए फ्राई हो चुका है, इसी तरीके का हमें चाहिए था ये। कुक हो गया ये। अब मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिया है फ्राई पैन में, इसे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच। इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें ऐड करेंगे टमाटो का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था, इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब जो सूखे मसाले लिए थे हमने ये ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे तरीके से। ढक के रख देंगे इसे पकने के लिए। फिर से चला देंगे इसे। अभी जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे इसे भी। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया इसे मैंने। इसे भी थोड़ी देर ढक के रख देंगे पकने के लिए। 8 से 10 मिर्ची ली थी मैंने हरी, वो ऐड कर देंगे।
देखिए मसाला पक रहा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। 2 से 3 चम्मच मैंने दही ऐड की थी। फिर इसे मिक्स कर देंगे, मसाले को भून लेंगे अच्छे तरीके से दही में, ताकि दही फटे ना। अभी जो चिकन ने भून के रखा था कीमा, इसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के रख देंगे पकने के लिए 5 से 10 मिनट। देखिए पक चुका है ये। अब इसमें हम हरी धनिया ऐड कर देंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।